नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ट्रेडिंग करने उतरे तो अंतरराष्ट्रीय संकेत बेहद मिले जुले थे। एक लंबे वीकेंड के बाद ट्रेडिंग करने आ रहे थे, ऊपर से अमेरिकन मार्केट सपाट क्लोजिंग दे गए थे। गिफ्ट निफ्टी फिर भी बता रहा था कि आज तेज हो सकते हैं। अच्छा, ट्रेडर्स थोड़े नर्वस दिखाई दिए शुरुआती सत्र में, क्योंकि 15 अंक ऊपर खुल गए थे 21,365 के लेवल पे। उसके बाद हिचकोले खाने शुरू कर दिए, 21,329 आज के दिन का लो लगाया। लेकिन उसके बाद जो तेजी बनी वो गजब की थी। आज 21,477 का हाई लगा दिया निफ्टी ने, और आज भी 92 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ के साथ निफ्टी बंद हुआ है। 21,441 यह क्लोजिंग। निफ्टी बैंक 233 अंक चढ़ गया, 47,724 के लेवल पे बंद हुआ है, और सेंसेक्स 229 अंक चढ़कर 71,336 के लेवल पे बंद हुआ है। सपोर्ट कौन कर रहा था? HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक बैंक, NTPC, M&M। गिरावट कहां थी? इन्फोसिस से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया एक ग्लोबल कंपनी ने, उसका इंपैक्ट पड़ गया क्योंकि 12,500 करोड़ रुपए के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इन्फोसिस को आज झटका लग गया। TCS साथ साथ टूट गया। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स और HCL टेक जैसे स्टॉक्स आज दबाव में थे। लेकिन चढ़ने वालों की संख्या देखें तो आज थी निफ्टी के 41 कंपनियां, उनके शेयर्स चढ़े हैं, 9 के शेयर्स गिरे हैं। जो चढ़ा है आज वो है डिविस लैब्स, आज लगभग 4.5% चढ़ गया और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प 2.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% ऊपर, NTPC, ONGC, एनर्जी स्टॉक्स में एक्शन दमदार देखने को मिल रहा था। निफ्टी लूजर्स में बजाज ट्विंस दिखाई देंगे आपको, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 1.25% से 1.5% के आसपास गोता लगा गए। इसके अलावा IT थोड़ा नर्वस था आज, इन्फोसिस, TCS ये स्टॉक्स नीचे रहे, और टाटा मोटर्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। FNO गेनर्स में आज टाटा केमिकल का नंबर आ गया। देखिए, सबसे पिटा हुआ सेक्टर पूरे 2023 का वो है केमिकल्स, और केमिकल्स में ही निचले स्तरों से खरीदारी आई है और बहुत ही जबरदस्त खरीदारी आई है साल खत्म होते होते, तो ये रिकवरी कह सकते हैं। आज टाटा केमिकल ये दिग्गज है केमिकल सेक्टर का, 7% ऊपर था। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज 5.6% चढ़ गया, लॉरस लैब्स, डिविस लैब्स, फार्मा सेक्टर में अच्छी खरीदारी हो रही थी, 4.5% से 5% ऊपर। वायदा कारोबार के टॉप गेनर बने, HAL भी 4.25% छलांग लगा गया। डिफेंस कंपनी में आज तेजी थी। FNO लूजर्स में RBL बैंक नजर आएगा आपको, 4.25% नीचे, मन्नापुरम, PVR, आईनॉक्स, सन टीवी, जुबिलेंट फूड 2% से 3.25% हल्के होते हुए नजर आए। वैसे मिड कैप स्टॉक्स में ना आज बहुत सारे स्टॉक्स एकदम से रिकवर हो गए। जे कुमार इंफ्रा, क्या जबरदस्त तेजी, 20% का अपर सर्किट लग गया। CLSA ने अपग्रेड कर दिया, कंपनी के टारगेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए और उसका एक इंपैक्ट पड़ा 20% अपर सर्किट। भारत बिजली 14% चढ़ गया, MSTC 13.5% ऊपर, कैस्ट्रॉल तो गजब कर रहा है, बाजार को अब जाके पता लगी है इस शेयर की वैल्यू, और क्या जोरदार तेजी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में दिखा गया। आज के सत्र में 12% चढ़ गया, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है। NLC इंडिया 12% ऊपर, बॉम्बे बर्मा 10.5% चढ़ा है, सूर्या रोशनी, ग्रीव्स कॉटन, सारे गामा, अदानी ग्रीन, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी, लगभग 5.5% से 8% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में वीमार्ट 4% नीचे, होम फर्स्ट, आयन एक्सचेंज, TVS होल्डिंग, MTR टेक, कॉफी डे और जोमैटो आज ढीले पड़ते हुए नजर आए, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। सेक्टर स्पेसिफिक तो पहले पायदान पे आएगा केमिकल्स, जैसे मैंने कहा कि 2023 में सबसे खराब रिटर्न देने वाला सेक्टर केमिकल्स ही है, लेकिन साल अंत में हो ही रहा है कि जहां पर प्रॉफिट मिला वहां पर प्रॉफिट बुक किया इंस्टीट्यूशन ने, और जो अंडरवैल्यूड सेक्टर है केमिकल वहां पर एकदम से खरीदारी करनी शुरू की है, तो देखते हैं खरीदारी कब तक जारी रहती है, पार्टी कब तक रहती है। लेकिन ये पार्टी में जो आज अव्वल आए ऊपर रहे वो थे एल्काइल अमीन्स 11.5% ऊपर, बालाजी अमीन्स 10.5% चढ़ गए, इसके अलावा थिरुमलाई केमिकल 8.5%, हिमाद्री स्पेशलिटी 7.5%, टाटा केमिकल 7%, आरती इंडस्ट्रीज, नोसिल, फिनोटेक्स केमिकल और DCW 5.5% से 7% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, और यही अगर आप पिछले कुछ महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, कोई रिटर्न बहुत शार्प नहीं दिए उन्होंने निवेशकों को, अब जाके साल अंत में न्यू ईयर पार्टी मनाने आए हैं। डिफेंस स्टॉक्स आज तेज हो गए बाजार खुलते ही, मैसडॉक 8% चढ़ गया, BDL 7.5% ऊपर, गार्डन रीच 6.5% चढ़ा, कोची शिपयार्ड और HCL 4.25% से 5.5% की छलांग लगाते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस प्ले आज पॉजिटिव रहा, जिसको मेजरली लीड कर रहा था कैस्ट्रॉल, जैसे मैंने बताया है कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे तगड़ा ब्रेकआउट है, और वैसे सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन वाली कंपनी है, लेकिन ये स्टॉक चल ही नहीं रहा था और बाजार इसको उतना वेट नहीं दे रहा था, लेकिन अब एकदम से चला है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में, और आज 13.5% ऊपर था। HPCL, IOC ये दोनों स्टॉक 3% से 4% चढ़ गए।
ऑयल ONGC, गेल GSPL यहां पर तेजी रही। हेल्थ केयर स्टॉक्स में आज लॉरस लैब्स का नंबर आया है, स्टॉक 5% चढ़ गया। डेविस लैब्स निफ्टी का ही टॉप गेनर है, 4.5% ऊपर। मैक्स हेल्थ, ग्रैन्यूल्स, टॉरेंट फार्मा, बायोकॉन 2% से 3.5% ऊपर। ल्यूपिन, अपोलो हॉस्पिटल भी ऊपर। मेटल्स में NMDC आज 3.5% चढ़ा है। हिंद कॉपर, वेल्सपन कॉप, स्टील अथॉरिटी, JSL और टाटा स्टील में आज तेजी रही। ऑटोज में हीरो मोटोकॉप, ये स्टॉक शुरुआत जैसी बाजार की हुई थी ना, सबसे तेज चलने वाला स्टॉक निफ्टी का बन गया था, उसके बाद डिविस लैब्स इसको ओवरटेक कर गया, लेकिन हीरो मोटोकॉप आज 2.5% ऊपर रहा। भारत फोर्ड 2% ऊपर। TVS मोटर, बजाज ऑटो, M&M, अशोक लेलैंड में तेजी रही। FMCG में कोलगेट लीड कर रहा था, 2% ऊपर। गोदरेज कंज्यूमर 2% चढ़ा है। UBL, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, इमामी इन स्टॉक्स में तेजी रही। जो नहीं चले वो थे IT, इनफैक्ट मिला जुला रुझान देखने को मिला। जो आज दबाव में थे वो थे इन्फोसिस, परसिस्टेंट, TCS, एम्फेसिस, यहाँ दबाव था, लेकिन जो तेजी वाले थे उसमें था विप्रो और LTIM। IPO की पार्टी लगभग खत्म हुई, क्योंकि बहुत ही IPO मेनिया क्रेज देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो लिस्टिंग हुई है, बहुत समय बाद हमने देखा है कि दो लिस्टिंग एक ही दिन नेगेटिव पड़ती हुई नजर आई, एक लिस्टिंग पॉजिटिव हो गई। तो पहले नेगेटिव वाली जो लिस्टिंग है वो बता दूं आपको, मुथूट फिनकॉर्प 291 का इशू प्राइस था, ओपनिंग हुई 275.30 रुपए, यानी कि 5.5% डेंट के साथ, और क्लोजिंग आई है 266.15 रुपए, 8.5% गिर गया लिस्टिंग वाले दिन। सूरज एस्टेट 360 रुपए का इशू प्राइस था, 340 रुपए पर लिस्ट हो गया, 5.5% नीचे, और क्लोजिंग आई है 334.50 रुपए, यानी कि 7% गिरकर बंद हुआ है लिस्टिंग डे वाले दिन। आज की जो दमदार लिस्टिंग है वो है मोती सन्स ज्वेलर्स, बहुत ही तगड़ी लिस्टिंग, और एक्सपेक्टेशन भी यही थी, क्योंकि 173 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका था। इशू प्राइस 55, ओपनिंग हुई है 109, 98% के गेंस के साथ, और क्लोजिंग आई है 103.55 रुपए, थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई 88%, फिर भी क्लोजिंग बेसिस पे लिस्टिंग डे वाले दिन इसने रिटर्न जनरेट किया है। इनोवा कैपटेप का IPO आज बंद हुआ है, और कुल मिलाकर 56.33 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 426 से 448 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इंडस्ट्री है फार्मा, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट करती है फार्मा कंपनियों के लिए, और इशू साइज है 570 करोड़ रुपए, आसानी से जुटा ली, जिसमें 320 करोड़ रुपए तो जुटाए हैं, फ्रेश इशू है, और 250 करोड़ रुपए का OFS है। अब आगे क्या होगा, देखिए निफ्टी अपने रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है। आपको याद होगा कि बुधवार को पिछले हफ्ते एकदम से डेंट पड़ा था, 300 पॉइंट नीचे आया निफ्टी, हाहाकार मच गया था, लेकिन वो धीरे धीरे करके पूरी जो गिरावट है उसको एब्जॉर्ब करते चले जा रहे हैं, और निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल से मात्र 151 अंक दूर है। परसेंटेज के टर्म्स में 0.7% बैठता है ये, तो ये रिकॉर्ड लेवल्स के करीब है। करिश्मा हो सकता है साल अंत में हो ही रहा है कि सेक्टोरल चर्निंग देखने को मिल रही है, सेक्टोरल शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। जैसे मैंने बताया 2023 में सबसे जो खराब सेक्टर था केमिकल, जिसने उतने रिटर्न्स नहीं दिए, अब साल अंत में पोजीशंस वहां पर बन गई, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स पिटे हुए हैं, अंडर वैल्यूड, और बाकी मार्केट तो एकदम से अफलातून तेज है, तो केमिकल स्टॉक्स निचले स्तरों से वहां पर बाइंग रेडार पे आ गए, और इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स की बेट केमिकल सेक्टर पे लग गए। देखते हैं कब तक ये जारी रहता है, क्योंकि उसके बाद तो पता ही है कि जिनके नतीजे अच्छे वाले आने वाले कंपनियों के उनके ऊपर ही बेट लगेगी, लेकिन फिलहाल अंडर वैल्यूएशन के चलते केमिकल सेक्टर एकदम से रडार पर आया। बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर है अर्निंग्स, रिजल्ट्स पे ही डिपेंड करेगी अब कंपनियों की परफॉर्मेंस, कि स्टॉक यहां पर चढ़ेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जो भी स्टॉक्स तेज चल गए हैं और अर्निंग्स अगर खराब आ गई तो बहुत तगड़ी पिटाई होगी, और अगर अर्निंग्स अच्छी आ गई तो यहां से वो स्टॉक्स और तेज होते नजर आएंगे। फिलहाल तो मिड कैप, स्मॉल कैप्स बहुत ही स्ट्रांग एक्शन में है, पर कहीं ना कहीं जाके अर्निंग्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए अगला। दिसंबर एक्सपायरी में मात्र 2 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं, गुरुवार को निफ्टी निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, ये इस साल की आखिरी एक्सपायरी होगी, तो वोलेटिलिटी तो लगभग तय है कि मार्केट में बहुत ज्यादा छाई रहेगी। आमतौर पर ये राइटर्स की मार्केट होती है, ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन ये ईयर एंडर है, यहां पर इंस्टीट्यूशंस का बड़ा गेम होता है साल के अंत में। तो ये 2023 में दिसंबर में ये लास्ट जो एक्सपायरी है इस साल की, तो उसके चलते वोलेटिलिटी रह सकती है, थोड़ा कॉशियस रहिए, लेकिन ये समझ में आता है कि 21,200 बाजार के लिए अच्छा तगड़ा सपोर्ट काम कर सकता है। और वैसे मैं बता रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई के बेहद नज़दीक इस समय इंडियन मार्केट्स फिर से कामकाज कर रहे हैं, और बस एक दिन की गिरावट आई थी उसमें हड़कंप मच गया था, लेकिन जिन्होंने हिम्मत की, अपने पोजीशंस को संभाल के रखा और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जारी रखी, उनको वहां से भी रिवॉर्ड मिला है। तो कुंजी यही है कि आप नियमित निवेश करें ऐसी मार्केट में, और ये जो छोटे मोटे झटके जो पिछले हफ्ते लगे थे वो लगते रहेंगे, लेकिन बाजार के लिए अब मेजर ट्रिगर जो होगा वो अर्निंग्स होगा, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक,
वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।